नमस्कार, रात के 9 बज चुके हैं। मैं हूं श्रेय शुक्ला, सत्यमेव जयते में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज जनसंख्या, विश्व जनसंख्या दिवस है। इस पर आज हम बात करेंगे कि विश्व जनसंख्या दिवस पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने आबादी नियंत्रण की भरी हुंकार। मजहब से ऊपर उठकर देश के लिए पॉपुलेशन कंट्रोल है जरूरी। तमाम मुसीबतों की जड़ बढ़ती आबादी है और यही आबादी बर्बादी है। सत्यमेव जयते पर सबसे बड़ी पड़ताल। आप सोचकर देखिए, आपके घर में सिर्फ एक कमरा है और उस कमरे में पहले आप अकेले रहते थे, लेकिन धीरे धीरे आपके घर में लोग बढ़ने लगे और अब आपके कमरे में 10 लोग रहने लगे हैं। कमरे का दायरा बड़ा नहीं, वही एक पंखा है, वही एक बत्ती है, वही एक वॉशरूम किचन, वही एक चूल्हा, लेकिन खाने वाले 10 गुना हो गए हैं। बिजली का इस्तेमाल करने वाले 10 गुना ज़्यादा हो गए हैं, नहाने वाले 10 गुना ज़्यादा हो गए हैं और सांस लेने वाले भी 10 गुना ज़्यादा हो गए हैं। यानी रिसोर्सेज कम होंगे और इस्तेमाल करने वाले ज़्यादा होंगे। यही हाल है देश का। आबादी बढ़ती जा रही है, ज़मीन नहीं, और ज़मीन बढ़ भी नहीं सकती। रिसोर्सेज कम हो रहे हैं और लोगों के साथ ज़रूरतें बढ़ रही हैं। असर पड़ रहा है बेरोजगारी, गरीबी, निरक्षरता, खराब स्वास्थ्य, प्रदूषण और ग्लोबल वार्मिंग। हिंदुस्तान के लिए आबादी सबसे बड़ी समस्या और करीब करीब हर समस्या की सबसे बड़ी जड़, सबसे बड़ी वजह भी यही है। क्या भारत की बढ़ती आबादी पर लगाम लग सकती है या फिर लगेगी? क्या हम आबादी को बढ़ाने से रोकने के लिए कानून बनाने की वकालत करने की राह में आगे बढ़ने वाले हैं? क्या यही सबसे बड़ी जरूरत है आज देश की? और आखिर इस आबादी के बढ़ने से क्या असर आज की तारीख में पड़ रहा है और आने वाले वक्त में क्या पड़ेगा? देखिए हमारी खास रिपोर्ट। हर इंसान परेशान है, कोई किसी चीज के लिए, कोई किसी चीज के लिए। और ऐसा है क्यों? क्योंकि यहां इंसान का दुश्मन इंसान ही है, जबकि वो समझ भी नहीं पा रहा कि इंसान ही इंसान के दुश्मन कैसे बन रहे हैं। इंसानों की ये भीड़ इंसानों के लिए खतरा बनती जा रही है। हिंदुस्तान में कहीं भी चले जाइए, आप खुद से इस भीड़ से परेशान हो जाते हैं, लेकिन जब भीड़ कम करने की बात आती है तो आप इसे लेकर सोचते ही नहीं। अच्छे से अच्छा अस्पताल सिर्फ जनसंख्या की वजह से फुल कैपेसिटी में काम नहीं कर पाता। अच्छे से अच्छी ट्रांसपोर्ट सर्विस जनसंख्या के दबाव में दम तोड़ने लगती है। बढ़िया ट्रैफिक सिस्टम, सड़कें, बाजार, शॉपिंग मॉल, सिनेमा हॉल, रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, पार्क, स्टेडियम, रेस्टोरेंट, हर जगह भीड़ इतनी ज़्यादा है कि अच्छे से अच्छी व्यवस्था डीरेल हो जाती है। ये तो तय है कि हमारी धरती का आकार नहीं बढ़ने जा रहा, ये भी तय है कि विश्व का नक्शा भी नहीं बदलने जा रहा, ना ही दुनिया में मौजूद संसाधन भी बढ़ने वाले हैं। ऐसे में जब पानी नहीं बढ़ेगा, कोयला नहीं बढ़ेगा, खेती लायक जमीन नहीं बढ़ेगी, फिर बढ़ती आबादी की जरूरतें कैसे पूरी होंगी? जाहिर है बढ़ती आबादी इंसानों के अस्तित्व के लिए सबसे बड़ा खतरा है। सवाल है कि क्या बढ़ती आबादी हमारी धरती को तबाह कर देगी? आइए पीछे चलते हैं। धरती पर पहले इंसानों की आबादी बहुत ज्यादा नहीं थी। वैज्ञानिक बताते हैं कि 10,000 साल पहले धरती पर महज कुछ लाख इंसान थे। 18वीं सदी के आखिर में आकर धरती की आबादी ने 100 करोड़ का आंकड़ा छुआ। 1920 तक धरती पर 200 करोड़ लोग रहने लगे। आज की तारीख में दुनिया की आबादी 7 अरब से ज्यादा है और साल 2050 तक यह आंकड़ा करीब 10 अरब और 22वीं सदी के आते आते धरती पर 11 अरब इंसान रहने लगे। पिछले 150 सालों में जिस रफ्तार से आबादी बढ़ी है, उतनी तेजी से कभी नहीं बढ़ी थी। इसलिए इसी दौरान इंसानों ने जिंदगी आसान बनाने के लिए कई तरह के आविष्कार भी किए, लेकिन हमें यह नहीं पता है कि जब साल 2100 तक दुनिया की आबादी 11 अरब हो जाएगी, तब उसका हमारी जिंदगी पर असर क्या होगा।
क्योंकि जिस तरह से कुदरत का दोहन हो रहा है वो अभी से हमें प्रभावित कर रहा है। औसतन हर सेकंड 2.6 बच्चे पैदा हो रहे हैं, यानी हर मिनट 158 बच्चे, यानी हर दिन विश्व की आबादी में 2,28,055 लोग जुड़ते हैं। घड़ी की टिक टिक के साथ आबादी बढ़ रही है और चिंता की वजह है कि अमीर देशों में जनसंख्या घट रही है और गरीब देशों में लगातार बढ़ रही है। जनसंख्या स्थिरीकरण का कितना लाभ न केवल उस परिवार को किंतु पूरे समाज को होने वाला है, अगर हम इसके बारे में समाज को अवगत करा सकें, जागरूक कर सकें, बता सकें, तो मुझे लगता है कि एक बड़ा कार्य समाज का हो सकता है। इसे किसी व्यक्ति, किसी परिवार, किसी जाति, किसी मत या किसी मजहब के साथ जोड़ करके न देख करके हमें व्यापक राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में से देखना होगा। अब बात हिंदुस्तान की, अपने देश की, जहां खतरे की घंटी बज रही है और अगर इसे अनसुना कर दिया गया तो देश के कई राज्यों में कुछ ही सालों बाद बिजली और पानी का संकट सबसे बड़ा होगा, जिसकी सुगबुगाहट मिलने लगी है। जरा सोचिए कि भारत में अब भी बसों, ट्रेनों, स्कूलों, अस्पतालों में कितनी भीड़ रहती है। 2050 की अनुमानित जनसंख्या के लिए ये सारी सुविधाएं दोगुनी करनी पड़ेंगी। सड़कें गाड़ियों से ठसाठस भरी होंगी, ट्रेनों में कहीं नहीं जगह रह जाएगी, हवाई अड्डों पर बस अड्डों जैसी भीड़ होगी, रोटी, कपड़ा, शिक्षा, स्वास्थ्य और मकान सबके लिए मारामारी बढ़ती जाएगी। अनुमान ये है कि 2025 तक भारत की जनसंख्या बढ़कर 1.5 अरब हो जाएगी, साल 2030 तक ये 1.53 अरब हो जाएगी, वहीं 2060 तक 1.7 अरब होने का अनुमान है। 2030 तक भारत चीन को आबादी के मामले में पछाड़ देगा, हालात डरावने होने लगे। देश की 2/3 शहरी आबादी को 2030 में पीने का पानी मयसर नहीं होगा। देश में शहरी आबादी के साथ साथ झुग्गियों की आबादी भी लगातार बढ़ती जा रही है। देश की कुल आबादी का 1.3% झुग्गी झोपड़ियों में रहता है। 2030 तक स्लम में रहने वाले कुल आबादी का करीब 3% हो जाएंगे। सोच कर देखिए कि इतनी भीड़ को किस तरह से संसाधनों के लिए मारामारी करनी पड़ेगी, एक दूसरे के साथ संघर्ष करना पड़ेगा। अनुमान के मुताबिक चीन में आबादी हर साल 1% बढ़ रही है, जबकि भारत में दर 2% है। चीन में जहां हर मिनट में 31 बच्चे पैदा हो रहे हैं, वहीं भारत में हर मिनट करीब 60 बच्चे पैदा हो रहे हैं, जबकि पूरे विश्व में हर मिनट 158 बच्चे पैदा हो रहे हैं। सोच सकते हैं हिंदुस्तान किस ओर जा रहा है, जब दुनिया में कई देश अपनी जनसंख्या घटा रहे हैं, हम आबादी को लेकर संजीदा नहीं हैं। अगर आज आबादी को लेकर संजीदा नहीं हुए तो आने वाला कल हमारे हर कदम पर मुसीबतें लेकर आने वाला है, जिसमें कुदरत से हमारी दुश्मनी बढ़ना सबसे बड़ा खतरा है। सत्यमेव जयते। तो आपने ये रिपोर्ट देखी और इस रिपोर्ट के बाद आपको महसूस हुआ होगा कि कभी कभी लगता है कि अपने दुश्मन हम खुद हैं, और अपने दुश्मन जब हम खुद हो जाते हैं तो फिर अपने ऊपर ही हमला करने लगते हैं, अपनी ही अच्छी चीज़ों को नज़रअंदाज करते हैं, अपने ऊपर अत्याचार करते हैं, यानी ये एक लत जैसी हो जाती है। हमें इस ओर ध्यान ही नहीं रहता कि हम किस ओर जा रहे हैं, क्या हम बुद्धिमान कौम हैं या फिर हम एक नीम बेहोशी में खोए हुए हैं। क्या हमें नहीं लगता कि हम जिस तेज़ी से बढ़ते जा रहे हैं उस तेज़ी से हम संसाधन जुटा पाएंगे। आज की तारीख में सारी समस्या हम रोज़ कहते हैं, हर रोज़ बताते हैं, हर खबरों में बताते हैं कि अस्पताल में स्ट्रेचर नहीं था, आदमी की मौत हो गई, बच्चों को पढ़ने के लिए अच्छे स्कूल नहीं हैं, अच्छे बच्चे कैसे निकलेंगे, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है क्योंकि वहाँ पर संसाधनों को लेने वाले ज़्यादा हैं और देने वाले कम, राशन की जो दुकानें हैं तो वो उसका फ़ायदा उठाते हैं। और दूसरी बड़ी बात यह है कि हम शायद हर चीज़ में राजनीति खोजते हैं और सियासत में ही हमें मज़ा भी आता है। वो तो कहिए कि हम अभी
इस बात पर नहीं लड़ रहे हैं या इस बात का ध्यान सियासी दलों का नहीं गया होगा कि आपका नाम भी इसी तरह से होना चाहिए, यानी अगर आपने नाम ये रख लिया तो आप सांप्रदायिक हो गए, आपने नाम वैसा रख लिया तो आप लेफ्टिस्ट हो गए, आपने नाम ऐसा रख लिया तो आप राइटिस्ट हो गए। तो यहाँ तो मुद्दे चाहिए, मुद्दे तो बेसर पैर के मुद्दे होते हैं, लेकिन जो मुद्दे होते हैं उन मुद्दों को भी हम दरकिनार करते जाते हैं, क्योंकि उसमें हम तुरंत पहले सियासत लाते हैं फिर मजहब का तड़का लगाते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि इससे धर्म और मजहब का कोई मतलब नहीं है। कानून अगर बनेगा, और मैं भी ऐसे सख्त कानून की वकालत करता हूँ, और मैं भी गुजारिश करता हूँ सरकार से कि किसी भी हालत में हमें जनसंख्या नियंत्रण के लिए जो भी कड़े कानून, बच्चों की सीमित संख्या के लिए कानून बनाने चाहिए बनाएं, और उनको सुविधा दी जानी चाहिए जो लोग उस कानून का पालन करते हैं, क्योंकि इस देश को ऐसे बर्बादी की तरफ बढ़ते हुए देखना किसी भी एक सच्चे हिंदुस्तानी के लिए दुख और कष्ट का विषय है। आबादी और आबादी की दुश्वारियों को पेश करती हुई निदा फाजली की गजल मुझे याद है, और मैं आपको भी सुनाना चाहता हूं कि हर तरफ हर जगह बेशुमार आदमी, फिर भी तन्हाइयों का शिकार आदमी। मरहूम जगजीत सिंह की आवाज में सुनिए और जरा सोचिए। हर तरफ हर जगह बेशुमार आदमी, फिर भी तन्हाइयों का शिकार आदमी। हर तरफ हर जगह बेशुमार आदमी, सुबह से शाम तक बोझ ढोता हुआ अपनी ही लाश का, अपनी ही लाश का खुद मजारा आदमी। अपनी ही लाश का खुद मजारा आदमी, हर तरफ हर जगह बेशुमार आदमी। हर नए दिन नया इंतजार आदमी, हर नए दिन नया इंतजार आदमी। जिंदगी का मुकद्दर सफर दर सफर, आखिरी सांस तक आखिरी सांस तक बेकरार आदमी, आखिरी सांस तक बेकरार आदमी, आखिरी सांस तक बेकरार आदमी। हर तरफ हर जगह बेशुमार आदमी, फिर भी तन्हाइयों का शिकार आदमी। हर तरफ हर जगह बेशुमार आदमी, हर तरफ हर जगह बेशुमार आदमी। हर तरफ हर जगह बेशुमार आदमी, फिर भी तन्हाइयों का शिकार आदमी। जी हाँ, क्योंकि आबादी इतनी ज़्यादा है कि हम लोगों को इस भीड़ के अंदर भी अकेलापन दिखने लगा है, क्योंकि रिश्तों में गर्माहट नहीं है। इतनी ज़्यादा लोगों की भीड़ बढ़ गई है कि उसमें टकराने के अलावा कोई रास्ता ही नहीं रह जाता, इसलिए हम रिश्तों को जीते भी नहीं हैं, बस एक दूसरे से कंधे रगड़ते हैं और एक दूसरे के सामने आँखें निकालते हैं। हमें नज़ारे भी इसी तरह के देखने को मिलते हैं, लेकिन असल में हम तन्हा हैं, क्योंकि हम एक दूसरे की इज्जत करना भूल गए हैं। इज्जत इसलिए करना भूल गए हैं क्योंकि हमने एक एक इंसान की जो कीमत होनी चाहिए उस कीमत को हम आँक नहीं पाते हैं, और उस कीमत का अंदाज़ा इसलिए नहीं है क्योंकि हर तरफ हर जगह बेशुमार आदमी। जनता क्या कहती है, जनता की आवाज़ क्या है, आइए सुनते हैं लखनऊ, दिल्ली और गाज़ियाबाद गोरखपुर की जनता क्या कहती है इस मुद्दे पर। चाइना की गवर्नमेंट है और ये सब है, वो लोग नॉर्म्स निकाले हुए हैं कि एज फॉर
फॉर अ पर्टिकुलर फैमिली, मतलब सिंगल चाइल्ड के लिए वो लोग रूल है, उसी तरह के यहाँ पे भी इंडिया में भी उसको ऑप्ट कर सकते हैं। वातावरण के लिए बहुत साइड इफेक्ट पड़ रहा है, सारी चीज़ों के लोगों का जीवन यापन में सारी समस्याएं हो रही हैं, लोग सही से जीवन यापन नहीं कर पाए, लोग तरह तरह की बीमारियों से झेल रहे हैं, इसलिए पॉपुलेशन को हमको रोकना चाहिए। अशिक्षित होने के कारण भी पॉपुलेशन के अधिक हो रहे हैं, क्योंकि अगर कोई लोग शिक्षित होते हैं हमारे यहाँ जैसे शिक्षित होते तो पॉपुलेशन उससे कम होता। पॉपुलेशन की वजह से बहुत दिक्कतें होती हैं, पॉपुलेशन के लिए कानून बनाना चाहिए भारत सरकार को, 2 बच्चों से ऊपर बच्चे अलाउ ही नहीं करने चाहिए, जिनके हैं उनको गवर्नमेंट जॉब्स नहीं देनी चाहिए। इस तरीके से हमारे देश की आबादी बढ़ रही है तो इसके विषय में सरकार को एक पहल करनी चाहिए, अवेयर कार्यक्रम करने चाहिए। सरकार को कुछ कानून बनाने की ज़रूरत है, अगर कानून होगा तो लोग उससे डरेंगे और उतने ही बच्चे पैदा करेंगे जितने की सरकार बोलती है। कानून तो बनाना ही पड़ेगा, कानून नहीं बनेगा तो डर कहाँ से रहेगा लोगों को। कानून भी है बट इतने तरीके से प्रॉपर कानून बने नहीं है अभी, और बने भी है तो मतलब ये कि उसका जो रूल्स है प्रॉपर तरीके से वो हो नहीं पाता। पॉपुलेशन होगा ज़्यादा, ट्रैफिक बढ़ेगा जो कि अभी हो रहा है, फिर ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी नहीं है, पॉपुलेशन ज़्यादा होगा, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ लिमिटेड है, वो तो और भी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। जनसंख्या नियंत्रण पर कानून आना चाहिए सरकार के द्वारा, इसके ऊपर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। हमें चाइना की तरह कानून जरूर आना चाहिए हमारे देश में, क्योंकि काफ़ी इससे असमानता पैदा हो रही है। कानून कुछ नहीं करेगा और कानून को कोई मानेगा भी नहीं, क्योंकि हमारा निजी फैसला होता है, हमें खुद, हम हर भारतवासियों को खुद ये तय करना होगा कि हमारा लिविंग स्टैंडर्ड कैसा होना चाहिए और हम अपने बच्चों को भविष्य कैसा दें। आबादी जो है बढ़ती जा रही है, उसके साथ साथ समस्याएं निरंतर सुरसा के मुँह के जैसी बढ़ती जा रही हैं। जनसंख्या बढ़ती जा रही है, बेरोजगारी भी बढ़ती जा रही है, भुखमरी कागार पे लोग आ जा रहे हैं, तो इससे अगर कानून अगर बन जाता है इसे तो काफ़ी बेटर रहता कि लोग कम सीमित बच्चे पैदा करते। गांव में जाके अभियान चलाना चाहिए, गांव के लोगों को जागरूक करना चाहिए। तो आपने जनता की आवाज़ सुनी, उनका एक स्वर में कहना है कि कानून बनना चाहिए और कानून ज़रूर बनना चाहिए, सरकार को ये सोचना चाहिए कि अब वक्त आ गया है, अब देर हो जाएगी, क्योंकि अगर बहुत देर तक सोते रहे तो फिर हमें जगाने वाला कोई नहीं बचेगा, इसलिए जल्द से जल्द कानून बनना चाहिए। अब बात करते हैं पॉपुलेशन की, इन्वेस्टिगेशन करते हैं इस पर। तेज़ी से बढ़ रही है आबादी, भारत की आबादी 1992 में 95,60,00,000 थी, साल 2015 में आबादी 128 करोड़ तक पहुंच गई, 20 साल के कम वक्त में ही जनसंख्या 32,50,00,000 बढ़ी है। आप सिर्फ इन आंकड़ों को देखिए, अंदाज़ा लगाइए और थोड़ा सोचिए, ये बढ़ोतरी अमेरिका की कुल जनसंख्या के बराबर है। हर साल करीब 1 से 1.25 करोड़ आबादी बढ़ रही है, साल 2030 तक और 20 करोड़ लोगों के लिए व्यवस्था करनी होगी। अब ये व्यवस्था कैसे होगी, जो अभी देश तमाम तरह की समस्याओं से जूझ रहा है, उसको 20 करोड़ आने वाली जो जनरेशन है, जिस तरह के आंकड़े हैं, उससे कैसे निपटेगी, आप सोचिए। आबादी बढ़ने से मुश्किल है, भारत आज कई गंभीर समस्याओं से जूझ रहा है, जिसमें ऊर्जा, पानी, भ्रष्टाचार, कुपोषण, सुशासन और भ्रष्टाचार है, इनके अलावा सामाजिक, जातिगत और धार्मिक संघर्ष है। बढ़ती आबादी के साथ ही ये समस्याएं और बड़ी हो जाएंगी। इसके अलावा कुदरती संसाधनों का दोहन बढ़ेगा, जाहिर है पर्यावरण को नुकसान होने से जीना दूभर हो जाएगा। जरूरत है जनसंख्या नियंत्रण के लिए कड़े कानून और कड़े कदम उठाए जाने की। अधिक आबादी के जो प्रभाव हैं, इफेक्ट हैं, वो मैं आपको बताता हूं। बेरोजगारी दर लगातार बढ़ती ही जा रही है, बेरोजगारी की बढ़ती संख्या के चलते आर्थिक मंदी हुई है, व्यापार विकास और विस्तार गतिविधियां धीमी होती हैं, बुनियादी ढांचे उस तेजी से नहीं बढ़ रहे हैं जिस तेजी से जनसंख्या बढ़ रही है, परिवहन, संचार, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, हर जगह मारामारी लगी रहती है, झुग्गी बस्तियों, भीड़ भरे घरों, जाम आदि में बढ़ोतरी हुई है, संसाधनों का उपयोग से ज्यादा दुरुपयोग होने लगा है, भूमि क्षेत्र, जल संसाधन और जंगल सभी का बहुत शोषण हुआ है, खाद्य उत्पाद और वितरण बढ़ती आबादी की बराबरी करने में सक्षम नहीं है, उत्पादन की लागत बढ़ रही है और इससे महंगाई भी बढ़ रही है, बढ़ती आबादी से अमीरी और गरीबी में अंतर बढ़ रहा है। और अगर हम एनालिसिस करें, भारत में इंसानों की भीड़ अमेरिका में प्रति वर्ग मीटर किलोमीटर 35 लोग रहते हैं प्रति वर्ग किलोमीटर, चीन में प्रति वर्ग किलोमीटर 146 रहते हैं, भारत में 441 लोग रहते हैं। आप अंदाज़ा लगाइए कि कितना अंतर है। बढ़ती जनसंख्या से विकास को ग्रहण लगता है, आज़ादी के समय में जितनी आबादी आज गरीबी रेखा से नीचे है, भारत में 37% यानी गरीब 48 करोड़ लोग
गरीबी रेखा के नीचे हैं। अर्थव्यवस्था की तुलना में देश की प्रति व्यक्ति आय बहुत कम है। भारत की $1590 सालाना प्रति व्यक्ति आय है। अमेरिका की प्रति व्यक्ति आय $55,000 है। चीन में प्रति व्यक्ति आय $7,820 है। और ज़्यादा आबादी है बर्बादी। भारत का हर कोना, हर नुक्कड़ ज़्यादा आबादी होने का उदाहरण है। चाहे आप कहीं भी हो, मेट्रो स्टेशन, हवाई अड्डे, रेलवे स्टेशन, हर जगह भीड़ रहती है। सड़क, हाईवे, बस स्टॉप, अस्पताल और शॉपिंग मॉल में आप भीड़ देख सकते हैं। बाजार, मंदिर या कोई भी धार्मिक समारोह, वहाँ हर तरफ भीड़ देखती है। इस भीड़ से हर व्यवस्था, हर सुविधा का बंटाधार हो जाता है। अब अगर मैं रियलिटी की बात करूँ तो भारत में रहते हैं कई देश, आपको सुनकर अचरज लगेगा, लेकिन आंध्र प्रदेश की आबादी जर्मनी के बराबर है, अरुणाचल प्रदेश की मॉरिशस, आसाम की पेरू के बराबर है, बिहार की मैक्सिको के बराबर है, छत्तीसगढ़ की नेपाल के बराबर है, दिल्ली की जनसंख्या बेलारूस के बराबर है, गोवा की जनसंख्या एस्टोनिया के बराबर है, गुजरात की जनसंख्या इटली के बराबर है, हरियाणा की जनसंख्या यमन के बराबर है और हिमाचल प्रदेश की जनसंख्या हांगकांग के बराबर है। जम्मू कश्मीर की जनसंख्या जिम्बाब्वे के बराबर, झारखंड की इराक के बराबर, कर्नाटक की फ्रांस के बराबर, केरल की जनसंख्या कनाडा के बराबर है, मध्य प्रदेश की जनसंख्या ईरान के बराबर है, महाराष्ट्र की जनसंख्या जापान के बराबर है और मणिपुर की जनसंख्या मंगोलिया के बराबर है, मेघालय की जनसंख्या ओमान के बराबर है, मिजोरम की जनसंख्या बहरीन, नागालैंड की स्लोवेनिया, ओडिशा की अर्जेंटीना, पंजाब की मलेशिया, राजस्थान की जनसंख्या थाईलैंड के बराबर है, सिक्किम की जनसंख्या ब्रिटेन के बराबर है, तमिलनाडु की जनसंख्या तुर्की के बराबर है और त्रिपुरा की जनसंख्या कुवैत के बराबर है, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या ब्राजील के बराबर है, उत्तराखंड की जनसंख्या पुर्तगाल के बराबर है और पश्चिम बंगाल की जनसंख्या वियतनाम के बराबर है। तो आपको सुनकर अचरज लगेगा कि हमारे इस देश के अंदर कितने सारे देश रहते हैं। ये तमाम वो देश हैं जिनमें कई विकसित देश हैं, कई विकासशील देश हैं और वहाँ पर उतनी परेशानी नहीं है जितनी दिक्कतें हमारे पास हैं, क्योंकि जनसंख्या के दृष्टिकोण से हमने विश्व के कितने देश अपने यहाँ ही समाहित कर रखे। 10 देशों की आबादी सबसे ज़्यादा घटी है। 2016 में ये रिपोर्ट आई थी और संयुक्त राष्ट्र की इस रिपोर्ट में कहा गया कि सीरिया की आबादी 9.73% घटी है, कुक आइलैंड्स की आबादी 3% घटी है, मोलदेवो की आबादी 1.02% कम हुई है, सेंट पियरे एंड मिकोलोन की जनसंख्या 1.02% घटी है, बुल्गारिया की आबादी में 0.83% की गिरावट दर्ज हुई है, एस्टोनिया की 0.68% और पोर्टोरिको की 0.65% घटी है, वर्जिन आइसलैंड की 0.56% घटी है। 10 देशों में दुनिया की आबादी रहती है। चीन की जनसंख्या 137 करोड़ है, भारत की जनसंख्या है तो ज़्यादा लेकिन जो भी फिगर्स दिखाते हैं वो करीब 128 करोड़ दिखाते हैं। अमेरिका में रहते हैं 32.60 करोड़ लोग और इंडोनेशिया 26 करोड़, ब्राज़ील में 20 करोड़, पाकिस्तान में 20 करोड़ से ज़्यादा लोग, नाइजीरिया में 19 करोड़ लोग रहते हैं, बांग्लादेश की आबादी 15 करोड़ से ज़्यादा की है, रूस की आबादी 14.20 करोड़ है, जापानियों की जनसंख्या 12.60 करोड़ है। ऐसे में अब ये देखना ज़रूरी हो जाता है कि 10 देशों में आधी दुनिया रहती है, बाकी देश में आबादी कम है। और जब आबादी कम होगी तो दिक्कतें भी कम होंगी और दिक्कतें कम करना है तो हमें उठना पड़ेगा, हमें जागना पड़ेगा, क्योंकि सचमुच बहुत देर तक सोए, इधर वहाँ से उधर वहाँ तक, धूप चढ़ गई कहाँ कहाँ तक, लोगों ने सींची फुलवारी, तुमने अब तक बीज ना बोए, सचमुच बहुत देर तक सोए। जिनको कल की फिक्र नहीं है उनका आगे जिक्र नहीं है, लोगों की भर चुकी उड़ाने, तुमने सब संबोधन खोए, सचमुच बहुत देर तक सोए। सो इसलिए सचमुच आप बहुत देर तक सो चुके हैं, अब जगिए, उठिए और कल की फिक्र कीजिए, आज कल की फिक्र का जिक्र कीजिए, तभी हम अपने देश को बचा पाएंगे, अपनी इस बढ़ती आबादी पर रोक लगा पाएंगे। और हमें ज़रूरत है एक मजबूत इरादे की, जो हम खुद से इरादा करें कि हम जनसंख्या को बढ़ने नहीं देंगे, और एक मजबूत कानून की जो कि हमारे देश को ये जो नई तरीके की मुसीबत है उससे बचा सकता है। अब बात करते हैं, जानना ज़रूरी है, देखना भी ज़रूरी है। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि ड्राइवर की लापरवाही या यातायात के नियमों का पालन नहीं करने के कारण हादसे होते हैं। इसका आज एक उदाहरण भी देखने को मिला, गुजरात के वलसाड से आया ये वीडियो देखिए आप। कुछ ऐसा ही हुआ, ट्रक के बाएं चल रही एक कार अचानक
करके आगे से टर्न करती है और दो पहियों पर खड़ी हो जाती है। ये कोई स्टंट नहीं है, ये एक हादसा है। ये पूरा हादसा एक दूसरी गाड़ी के डैशबोर्ड पर लगे डैश कैम में कैद हो गया। वीडियो देखिए कैसी एक मारुति वैन काफ़ी तेज़ी से सड़क पर चल रही थी, तभी एक ट्रक को बाईं ओर से ओवरटेक करती है, लेकिन अचानक ट्रक के सामने से गाड़ी पूरी तरह घूम जाती है और दो पहियों पर खड़ी हो जाती है। हालांकि इस रोंगटे खड़े करने वाली घटना में कोई भी जख्मी नहीं हुआ, कोई हताहत नहीं हुआ और ना ही गाड़ियों को कोई बड़ा नुकसान हुआ। लेकिन इस वीडियो से सीख लेने की ज़रूरत है कि कैसे एक गाड़ी लापरवाही की वजह से और ड्राइवर की बेवकूफ़ी की वजह से एक बड़े हादसे का शिकार हो जाती है और दो गाड़ियां सतर्कता दिखाते हुए निकल गईं। लेकिन ये सीख देने वाला वीडियो है, हादसा होने से हम बच सकते हैं, ताकि हम आप जब सड़क पे निकलें तो ये सोचें कि हमें घर भी पहुंचना है। हमारी आप सभी से अपील है कि सड़क पर संभल कर चलें, इतनी तेज़ी न दिखाएं। और आप मारुति वैन चला रहे थे, उस मारुति वैन में आपने देखा कि किस तरह से उन्होंने ओवरटेक किया और ओवरटेक करने के चक्कर में आपने सोचा होगा कि हम जल्दी निकल जाएंगे। लेकिन एक बहुत छोटी सी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि समय भी कम है। बात यह है कि आप अपने स्पीडोमीटर के पास अपने बच्चे की फ़ोटो लगा लीजिए और जब आप स्पीड बढ़ाएं तो आपको अपने बच्चे की फ़ोटो दिखेगी, तो शायद आप उस स्पीड को कम कर देंगे। ये एक बहुत छोटी सी सीख है। और दूसरी बात, चलते चलते आप ज़रूर चलें और ज़रूर आगे बढ़ें, अपनी इच्छाओं को आगे बढ़ें, लेकिन उन इच्छाओं का कहीं पर एक डेस्टिनेशन होता है। क्योंकि अगर आप इच्छाएं अनियंत्रित होंगी तो वो आपको भी अनियंत्रित करेंगी, और अगर आपने इच्छाओं का एक डेस्टिनेशन बनाया है, एक पड़ाव बनाया है, तो इसका मतलब आप अपनी ज़िंदगी को उद्देश्यपूर्ण जीते हैं। और जब आप अपनी ज़िंदगी को उद्देश्यपूर्ण जीते हैं तो फिर आप ज़रूर उसका सच के साथ होते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप भी अपनी ज़िंदगी का एक पड़ाव डेस्टिनेशन बनाएं, उद्देश्य बनाएं और सिर्फ इच्छाओं के पीछे भागे नहीं। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त और बने रहिए आप भारत समाचार के साथ। अगर आप अपना फीडबैक भेजना चाहते हैं तो फेसबुक, ट्विटर और जीमेल पर जो नीचे मेरे एड्रेसेस लिखे हुए हैं उस पर आप अपना फीडबैक भेज सकते हैं। शुभ रात्रि, नमस्कार, अपना ख्याल रखिए।